बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी यहाँ पर कि ईंट, कच्ची ईंट कैसे तैयार होती है और इसका कैसा फर्म होता है। इस वक्त अभी ये भाई लेकर आ रहे हैं जी, तो आप उधर देख सकते हैं, वो वहाँ पे बना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा होता है, सारा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेरे पीछे देखेंगे, सारी अभी नहीं बन रही, ठीक है जी। इसको इनका, इनसे पूछा गया तो कहते हैं कि 2 से 3 दिन में ये खुश्क होती हैं। तो चले आए, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फुल प्रोसेस कैसे होता है और इसको कैसे यहाँ पर बनाया जाता है। तो चले आज आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी गूंद के यहाँ पर तैयार होकर पहुँच चुकी है और ये यहाँ पर कारीगर मौजूद हैं और ये ईंटों का फर्मा है जी। 3 ईंटें एक साथ ये फर्मे से निकालते हैं और आप इनका काम देखें कि कितनी महारत और कितनी फुर्ती के साथ ये अपने काम को कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ये, और ये स्पेशल किस्म का इसके लिए ये फर्मा होता है। अभी आपको कंप्लीट प्रोसेस में दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे इसको सेट करेंगे और कैसे इसमें से निकलेगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही कमाल का ये भी हुनर है और ये इन्होंने बहुत ही तरीके के साथ ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो सारी ईंटें यहाँ पर सूख के उन्होंने वहाँ पे स्टेप बाई स्टेप रख दी हैं। और ये भाई अभी मज़ीद जो हैं वो बना रहे हैं और आप इनका तरीक़ाकार दे सकते हैं। ये मिट्टी, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि ये मिट्टी जो है मशीन के अंदर तैयार की जाती है, क्योंकि हाथों से बुनना तो इसे बहुत मुश्किल काम है। तो वो मशीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।